वेलकम so पे और आज की लास्ट वीडियो इकोनॉमिक्स की वीडियो होने वाली है जिसमें कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर नंबर टू को बिल्कुल खत्म कर दें थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हो जाएगा नहीं होगा तो कल हम चैप्टर नंबर थ्री भी पूरा करेंगे और इसको भी पूरा करेंगे तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं कॉमेंट्स में सब बच्चे आज लिख देंगे कि सर डे इलेवन डन जस्ट 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 टेन मोर डेज टू गो चलिए जल्दी से लेट्स बिगैन तो गाइज हम लोगों ने सबसे पहले कल बेसिक प्लानिंग के बारे में पढ़ लिया था कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से प्लानिंग कमीशन मिशन सेटअप किया क्या क्या गवर्नमेंट ने प्लानिंग के गोल्स बनाए वो सब हमने पढ़ा अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से तीनों ही सेक्टर्स में दैट इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड किस तरीके से तीनों को डेवलप करने के लिए प्लानिंग करी कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई वो सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर जिसका लार्जेस्ट शेयर है हमारे वर्क में आजादी के टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब से प्लानिंग होनी चालू हुई है तब से लगभग 70 से 75 परसेंट शेयर उस टाइम पे एग्रीकल्चर का होता था आज की डेट में भी लगभग 50 परसेंट शेयर एग्रीकल्चर का है ठीक है सो so, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज फोकसड राइट फ्रॉम द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान पहले ही फाइव ईयर प्लान से एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था एग्रीकल्चर के सर हमारे क्या क्या फीचर्स थे ये हम लोग चैप्टर नंबर वन में पढ़ के आ चुके हैं तो इन इनपे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने चैप्टर नंबर वन में ये सब पढ़ा हमारा एग्रीकल्चर कैसा था प्रोडक्टिविटी लो थी हम सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे बस इतना ही बनाते थे कि हमारा काम हो जाए डिस्गइज अनएम्प्लॉयमेंट काफी देखने को मिलता था क्योंकि पूरा परिवार एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे काम करता था अब उस प्लॉट पे चाहे दो लोग बैठे अब उस प्लॉट पे चाहे बीस लोग बैठ के काम करें भैया सब रोजगार दिखते थे लेकिन सब रोजगार थे नहीं बहुत सारे उसमें से बेरोजगार थे डिजगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं मिटा जी इसको नेक्स्ट आता है डेप्रिशिएटेड टेक्नोलॉजी दो टेक्नोलॉजी हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर रहे थे वो काफी डेप्रिशिएटेड थी काफी पुरानी थी हमारा एग्रीकल्चर पूरा का पूरा हेविली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल था और उसके साथ साथ लैंडलॉर्ड टीनेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे जमींदारी सिस्टम बहुत ही बुरे तरीके से पिट चुका था और ये कॉन्फ्लिक्ट्स के चक्कर में काफी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही थी राइट right? नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे देश में सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी डी पी बेटा सबसे पहले ये समझो कि हमारे देश में जब बहुत सारी जनसंख्या एग्रीकल्चर में ही है तो जी डी पी में कॉन्ट्रीब्यूशन भी एग्रीकल्चर का, का काफी ज्यादा होता होगा तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिख के आना है वो लिख के आना है कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी डी पी एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी डी पी इन इंडिया नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर हमारे लिए काफी बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है हमारे देश की बहुत सारी जनसंख्या जो है वो किस पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे अपने काम के लिए पैसे के लिए उसके बाद सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जितनी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए वो सारा रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करता है वो सारा रॉ मटेरियल इज सप्लाइड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स जितनी इंडस्ट्रियल गुड्स जो हमारी इंडस्ट्रीज बड़े बड़े कैपिटल गुड्स बना रही है मशीनरी बना रही है हार्वेस्टर्स बना रही हैं थ्रेशर्स बना रही हैं उनकी डिमांड कौन कर रहा है सारा का सारा एग्रीकल्चर डिमांड कर रहा है नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड हमारे देश के इंटरनेशनल ट्रेड में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया के एक्सपोर्ट जैसे टी जूट कैशूनट्स टोबैको कॉफी स्पाइसेस ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो हमारे देश के लिए सेक्टर देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया जी में ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट ये दे रहा है रॉ मटीरियल ये दे रहा है हमारे एक्सपोर्ट्स में पार्टिसिपेशन इसका है जितनी इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी चल रही हैं उनके प्रोडक्ट्स को डिमांड ये करता है तो कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक है इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आई एग्रीकल्चर सेक्टर में मेजर प्रॉब्लम्स बच्चों आपको पता होनी चाहिए इन प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करा है गवर्नमेंट ने फर्दर एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाके सर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आई नंबर वन लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन पानी की व्यवस्था नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारा एग्रीकल्चर वॉज एंटायरली वॉज क्या इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल आज भी आज भी बहुत अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है हाँ पहले से बेटर है इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है बट स्टिल आज भी ये प्रॉब्लम है आर एग्रीकल्चर वॉज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर वाटर सप्लाई इरीगेशन की व्यवस्था नहीं है फाइनेंस की कमी है गरीब किसान है गरीब सेक्टर है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फाइनेंस अवेलेबल नहीं है उसके बाद स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स हमारे देश में जो किसानों की जमीनें हैं एक तो वो छोटी छोटी हैं और काफ़ी स्कैटर्ड है स्कैटर्ड का मतलब बहुत दूर 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 लोगों की ज़मीनें हैं जिसपे वो एक साथ काम भी नहीं कर सकते इतने सारे रिसोर्सेज भी इकट्ठे नहीं लगा सकते तो काफ़ी छोटी छोटी और काफ़ी स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स हैं उसके बाद लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम हमारे पास कोई बहुत अच्छा मार्केटिंग सिस्टम भी अवेलेबल नहीं था मतलब अगर किसान ने फसल उगा ली एक बार अब उसके पास उसको मार्केट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है कोई अरेंजमेंट नहीं है उसको समझ में नहीं आता कि मैं किस तरीके से अपनी फसल का एक अच्छा प्राइस लूं, तो मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है और एग्रेरियन रिलेशंस तो आप जानते ही हो हमारे एग्रीकल्चर में लैंड लॉड टीन एंड के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्राइज नहीं दे रही तो ये काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर सेक्टर में रही हैं तो ये सब आती है बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर अब आ रहे हैं हमारे पास एग्रेरियन रिफॉर्म्स सर इन प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए सरकार ने क्या किया तो हम बोलते हैं इन प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए सरकार ने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला तो बहुत सारी नई पॉलिसीज बनाई जिन पॉलिसीज को बोला गया एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है कि कितने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आए थे कौन कौन से रिफॉर्म्स आए थे और उन रिफॉर्म्स में किस किस तरीके से चेंजेस आए तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास कौन कौन से रिफॉर्म्स आए सबसे पहला जो हमारा रिफॉर्म आ रहा है वो आ रहा है टेक्निकल रिफॉर्म फर्स्ट रिफॉर्म इज टेक्निकल रिफॉर्म टेक्निकल रिफॉर्म नाम में लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी को चेंज करना सर हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को चेंज किया तो सबसे पहले बच्चों हमने नॉर्मल सीड्स की जगह हाई ईल्डिंग वेराइटी सीड्स यूज करने स्टार्ट करें सर हाई ईल्डिंग वराइटी सीड्स कौन से होते हैं हाई ईल्डिंग नाम में ही है जिनका ईल्ड अच्छा होता है जिनका आउटपुट अच्छा होता है कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट उसी जमीन पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी नंबर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने स्टार्ट कर दिए हमने केमिकल इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स ये नई टेक्नोलॉजी थी इसको यूज करना चालू करा ताकि हम बेहतर प्रोडक्शन कर पाए और कीड़े वीड़े ना लगे हमारी फसल को केमिकल इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हमने यूज करे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस काफी साइंटिफिक हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी नई नई हमारे फार्मर्स ने काफी सारी नई फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी नए तरीके से एग्रीकल्चर करना चालू करा थोड़ी सी टेक्नोलॉजी लगानी चालू करी तो गवर्नमेंट की हेल्प से अवेयरनेस के थ्रू एजुकेशन के थ्रू काफी चीजें चेंज हुई हमारी टेक्निक ऑफ फार्मिंग में तो टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या क्या आ जाता है चार चीजें आ जाती हैं नॉर्मल सीड्स की जगह एच वाई वी सीड्स नॉर्मल फर्टिलाइजर्स की जगह केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्रॉप्स को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और अच्छी न्यू फार्मिंग टेक्निक्स ठीक है उसके बाद आता है बच्चों लैंड रिफॉर्म्स सर लैंड रिफॉर्म्स क्या था देखो हमारे लैंड पे भी तो विवाद था भाई जमींदार्स में और टीनेट्स में लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो इस जमींदारी सिस्टम के ऊपर भी बहुत सारी लड़ाई झगड़ा था तो इसको कैसे सेटल किया गया नंबर वन एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज सरकार ने बोला भैया ये कोई इंटरमीडियरी वगैरह नहीं होंगे जिसकी जमीन है वही काम करेगा ये बात गलत है कि तुम किसी से भी कुछ भी काम करवा रहे हो गरीब को लूट रहे हो दिस इज नॉट फेयर तो क्या किया जाए जिसकी जमीन है वही काम करे कोई इंटरमीडियरी नहीं होगा कोई जमींदार नहीं होगा भैया जो ऑनर है वही मालिक है है ना जो जिसकी जमीन है वो ही खेती करे हाँ इसके बहुत सारे लिमिटेशन ढूंढ लिए लोगों ने बट स्टिल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा कि भैया नो इंटरमीडियरीज विल बी देयर ठीक है नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ रेंट अगर आप काम किसी और से करा ही रहे हो ठीक है हमने मान लिया कि तुम खुद नहीं कर सकते तुम्हारे से नहीं होता तुम्हें आता नहीं है तुम किसी और से ही काम कराओगे तो फिर रेंट को गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए यानी कि तुम उससे कुछ भी चार्ज करो तुम उससे कुछ भी एक्सप्लॉइट करो नहीं अगर तुमने अपनी जमीन किसी और को दिया है जिसकी वैल्यू वन थर्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप्स के बराबर हो इससे ज्यादा ना हो मतलब अगर क्रॉप नाइनटी रुपीज की हुई है तो आप थर्टी रुपीज तक का रेंट ले सकते हो इससे ज्यादा आप रेंट नहीं लोगे तो रेंट को भी रेगुलेट किया गया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स जो हमारी लैंड होल्डिंग्स मैंने आपको अभी बताया ना स्मॉल एंड स्कैटर्ड थी छोटी छोटी बिखरी हुई लैंड होल्डिंग्स थी उन सबको गवर्नमेंट ने कंसोलिडेट कर दिया कंसोलिडेट का मतलब इकट्ठा कर दिया है ना जैसे ए की जमीन एक यहां पे एक बहुत दूर है बी की जमीन भी एक यहां पे एक बहुत दूर है तो यहां वाली दोनों ए को दे दी वहां वाली दोनों बी को दे दी तो एक बड़ा टुकड़ा पास पास हो गया दोनों का ए भी आराम से पूरी जमीन पे खेती कर सकता है बी भी कर सकता है तो लैंड होल्डिंग्स जो अलग अलग जगह पे थी वो पास पास करके लोगों को दे दी उसके बाद सीलिंग्स लगाई लैंड होल्डिंग्स पे ये मकसद था हमारा इक्विटी कि बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि एक इंसान के पास बहुत ज्यादा जमीन है एक के पास बहुत कम है तो गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा दी कि एक इंसान कितनी मैक्सिमम लैंड रख सकता है है ना? तो सीलिंग लगाने से क्या होगा? एक मैक्सिमम मिनिमम उससे ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी और किसको देगी गरीब किसान को देगी उसके बाद क्या आता है कॉपरेटिव फार्मिंग मतलब गवर्नमेंट ने यह बोला भैया अकेले अकेले फार्मिंग मत करो मिलजुल के फार्मिंग करो जब आप मिलजुल के फार्मिंग करोगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो आपको आपका प्राइस भी अच्छा मिलेगा आप अच्छे से बेच भी पाओगे तो इंडिविजुअल फार्मिंग फार्मिंग को हटा के इंट्रोड्यूस करी गई तो ये बच्चों हमारे सारे लैंड रिफॉर्म्स में आ जाते हैं इसके बाद आता है बच्चों जनरल रिफॉर्म्स जनरल आता है जो जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे जैसे इरीगेशन फैसिलिटीज पानी की व्यवस्था करी गई प्रोविजन ऑफ क्रेडिट पैसा प्रोवाइड करा गया हर तरीके का शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन भी सेटअप करे जो इजी लोन्स देते थे है ना उसके बाद रेगुलेटेड मार्केट्स मार्केट्स में रूल्स और रेगुलेशन फिक्स करे गए वेट्स को लेकर रूल्स बनाए गए किस तरीके से फसल मार्केट में आएगी मंडीज में आएगी किस तरीके से बिकेगी उसके नियम बनाए गए तो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए प्राइस सपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने एक प्राइस सपोर्ट पॉलिसी भी चलाई जिसको हम एम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट का एश्योरेंस होता था कि आपकी फसल का कम से कम इतना पैसा तो हम दे ही देंगे इससे ज्यादा की बिकती है तो भैया बेच लो मार्केट में इससे कम की बिकती है तो फिर तुम्हें क्या करना है तुम्हें सिंपली हमारे पास आना है और हमारे से इतना पैसा ले लेना है उसको क्या बोलते थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर प्राइस सपोर्ट पॉलिसी तो ये सारे के सारे रिफॉर्म्स बच्चों किसके अंदर आए थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आए थे तो ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ का चार्ट है इसका जल्दी से आप स्क्रीन ले लो ये आपको मदद करेगा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक रिवाइज करने में इसमें एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस है फीचर्स है प्रॉब्लम्स हैं और रिफॉर्म्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट अब चलते हैं आगे और अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं और ये काफी जो मिल्क में हुआ था और गोल्डन रेवोल्यूशन जो हनी में और फ्रूट्स और फ्लावर्स में हुआ था तो ध्यान रखना तीन रेवोल्यूशन आपके पूरे इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस में है ग्रीन व्हाइट और गोल्डन ठीक है सब अलग अलग जगह पढ़ोगे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है ग्रीन <coughs> रेवोल्यूशन है जब हम नॉर्मल सीड्स नहीं यूज करेंगे हम एच वाई वी सीड्स यूज करेंगे एच वाई वी सीड्स कौन से हैं हाई ईल्डिंग वेराइटी सीड्स जिसके अंदर कम जगह पे भी ज्यादा फसल हो जाती है तो हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा किस चीज में इंक्रीज होगा इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू द यूज ऑफ हाई इल्डिंग वेराइटी सीड्स अब फूड ग्रेन्स में मेनली ये वीट के ऊपर था बट फिर भी यहां पे लिखा जाता है फूड ग्रेन ही ठीक है आगे लिखा हुआ है द ग्रीन इज अ स्पेटेक्यूलर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट बन के आया था और काफी इससे हमारा सरप्लस प्रोड्यूस हुआ था क्यों जरूरत पड़ी थी हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की नंबर वन सबसे पहले ये है क्या वो लिखा हुआ है नंबर टू इंडियाज एग्रीकल्चर वाइटली डिपेंड्स ऑन मॉनसून हम काफ़ी ज़्यादा मॉनसून पर डिपेंडेंट थे और मॉनसून नहीं होता था स्टोरेज नहीं है ये शॉर्टेज है इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ मॉनसून फार्मर्स हैड टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स फार्मर्स को क्या फेस करना पड़ता था काफ़ी ट्रबल फ़ेस करना पड़ता था प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम थी तो हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो हमें कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे दे फार्मर्स के लॉसेस कवर हो जाए, फार्मर्स अच्छा सरप्लस जनरेट कर पाए और पैसा कमा पाए तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसको हमने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या इम्पैक्ट हुए बच्चों सबसे पहला इम्पैक्ट आया अटेनिंग मार्केट सरप्लस हमने इतनी फसल ग्रो कर ली कि हम खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं और हम आराम से बेच सकते हैं इवन हम एक्सपोर्ट भी करने लगे थे तो सबसे बड़ा फायदा जो ग्रीन रेवोल्यूशन का हुआ वो हुआ मार्केट सरप्लस हमने सरप्लस जनरेट करा अच्छी फसल ग्रो करी दूसरा लो इनकम ग्रुप्स को काफी फायदा हुआ देखो जितनी ज्यादा फसल होगी जितनी ज्यादा सप्लाई होगी इकॉनॉमी में किसी चीज की उसका रेट उतना ही कम होगा तो जब इतनी ज्यादा सप्लाई इकोनॉमी में आ गई तो उससे रेट कम हुआ जिससे जो लो इनकम लेवल वाले लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है जिनकी इतनी अर्निंग्स नहीं है तो उनके लिए चीजें सस्ती हो गई वो लोग अच्छे से खरीद सकते थे अच्छे से कंज्यूम कर सकते थे तो लो इनकम लेवल ग्रुप्स को काफी बेनिफिट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से तीसरा बफर स्टॉक हो गया बफर स्टॉक का मतलब यह है बच्चों की अगर शॉर्टेज भी हो जाता है तो भी हमारे पास इतना सामान है कि हम आराम से उसको कंज्यूम कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमने बफर स्टॉक करा अच्छा मार्केटेबल सरप्लस हो गया और लो इनकम लेवल ग्रुप्स को काफी फायदा हुआ इसके बाद रिस्क क्या क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या सर ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ रिस्क भी थे बिल्कुल थे एक तो पेस्ट अटैक का रिस्क होता था सर पेस्ट अटैक क्या होता है देखो दो चीजें होती हैं जो क्रॉप पे अटैक करती है। एक होते हैं एक होती है पेस्ट एक होते हैं इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं पेस्ट आपको दिखाई नहीं देते बहुत माइक्रो लेवल के छोटे छोटे होते हैं और वो फसल को खराब करते हैं तो जितनी ज्यादा फसल होगी उतना ही रिस्क होगा पेस्ट अटैक का तो अच्छी फसल होती थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से तो पेस्ट अटैक का भी काफी रिस्क रहता था नेक्स्ट क्या है रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनिक्वालिटीज अब यहां पर सर कैसा रिस्क था देखो मैं आपको बताता हूं जो एच वाई वी सीड्स थे ना वो काफी एक्सपेंसिव थे हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था तो सर कौन खरीद रहा था उनको एच सीड्स को ले रहे थे रिच फार्मर्स अब देखो एक तो वो पहले रिच थे तभी वो एच सीड्स ले रहे हैं एच सीड्स लेके उन्होंने और ज्यादा फसल जनरेट कर ली तो जब इतनी फसल उनके पास हो रही है पहले से ही वो रिच है तो अब वो अपना सामान और बेचेंगे सामान बेचेंगे तो अब और पैसा कमाएंगे तो अमीर अमीर होता जा रहा था गरीब एक तो एच सीड्स नहीं ले सकता उसके बाद उसकी फसल भी कम तो भैया बेचे तो वो कुछ कमा ही नहीं पा रहा तो अमीर और अमीर होता जा रहा था गरीब और गरीब होता जा रहा था दैट इज वाई एक इनकम इनइालिटी वाला पॉइंट भी यहां पर आता है कि हाँ द रिस्क दैट कॉस्टली इनपुट रिक्वायर्ड ग्रीन रिक्वाड विल इंक्रीज द डिस्पैरिटीज डिस्पैरिटीज का मतलब डिफरेंसिस बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स ठीक है जी नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सर ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या नुकसान हुए नंबर वन बहुत लिमिटेड क्रॉप्स के ऊपर था ट और राइस के ऊपर था मेनली ज्यादा क्रॉप तक ये नहीं पहुंचा नंबर टू अन स्प्रेड अन स्प्रेड का मतलब ये सिर्फ कुछ राज्यों तक पहुंचा सारे राज्यों तक नहीं पहुंचा तो कुछ स्टेट्स को इसने बहुत फायदा दिया कुछ स्टेट्स को इसने काफी कुछ भी बेनिफिट नहीं किया क्योंकि वहां तक पहुंचा ही नहीं वहां तक नहीं पहुंचा तो हमने बोला कि अन बेनिफिट हुआ कुछ अमीर होते चले गए कुछ को फर्क ही नहीं पड़ा इसके बाद इकोनॉमिक डिवाइड ग्रीन रेवोल्यूशन ने थोड़ा सा एक रिच और पुअर का गैप जनरेट करा क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा यूजुअली अमीर किसान को हुआ गरीब किसान को कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ तो इसने डिस्पैरिटी यानी डिफरेंस बढ़ाया बिटवीन रिच एंड द पुअर उसके बाद लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन तक ही ये पहुंच पाया क्योंकि हमारी जितनी भी फार्मिंग पॉपुलेशन है उसके अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन गरीब किसान की है अब गरीब किसान यार कैसे अफोर्ड करेगा दूसरी बात जितने भी एच वाई वी सीड्स होते हैं ना इनमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तो पानी की तो हमारे पास वैसी प्रॉब्लम थी तो कहाँ से लेके आते तो एक लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन तक पहुंचा बहुत ज्यादा फार्मिंग पॉपुलेशन तक नहीं जा पाया ठीक है यहां से हमारे पास आएगा बच्चों अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखो एग्रीकल्चर में मेनली यही था एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन अब आता है इंडस्ट्री इंडस्ट्री में किस तरीके से चीजें हुई तो इंडस्ट्री क्या है देखो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया प्रोग्रेस ओनली तभी प्रोग्रेस हो सकता है अगर उनके पास अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर है इंडस्ट्री आपको एम्प्लॉयमेंट देता है एग्रीकल्चर से क्योंकि एग्रीकल्चर तो से मॉडर्नाइजेशन भी होता है प्रोस्पैरिटी भी होती है आगे क्या लिखा है अब हमारे पास आते हैं कि इंडस्ट्री के सर क्या क्या फीचर्स थे इंडस्ट्री के फीचर को भी आप जानते हो चैप्टर वन में हमने पढ़ा है सर इंडस्ट्री के हमारे पास क्या क्या फीचर थे नंबर वन पब्लिक एंटरप्राइजेस हमारा लीडिंग रोल निभा रही थी इसका मतलब मेजर रोल दो था वो सारा का सारा पब्लिक एंटरप्राइजेस के हाथ में था सरकार के हाथ में था हमने ये बोला हुआ था कि भैया प्राइवेट सेक्टर से तो अभी नहीं हो पाएगा मेजर रोल पब्लिक सेक्टर को देना है दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम जो मेजर प्रोसेस फॉलो कर रहे थे वो है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब होता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि हम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे और अपने देश में ही सारा कुछ बनाएंगे द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स वॉज टू हाई प्रायरिटी विच वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है इससे हम क्या अचीव करना चाहते थे कि हम किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट ना हो आगे लिखा हुआ है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बची रहे किस चीज से फॉरन कॉम्पिटिशन से अब किस तरीके से हमने प्रोटेक्शन पहुंचाई नंबर वन इम्पोर्ट पर काफी हैवी टैक्सेस लगाए हमने बोला भैया टैक्स लगेगा इम्पोर्ट पे हम इम्पोर्ट तो नहीं करेंगे चीजों को और करना है तो बहुत टैक्स लगेगा दूसरा कई लोग टैक्स देने के लिए भी तैयार हो गए तो हमने बोला ठीक है भाई तुम ज्यादा अमीर हो ना हम कोटा भी लगा देंगे कोटा का मतलब सीलिंग लगा देंगे कि तुम इतना ही इंपोर्ट इंपोर्ट कर कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो इससे ज्यादा नहीं ठीक है ना तो दो तरीके से हमने प्रोटेक्शन ऑफर करी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एक तो टैक्सेस और कोटाज टैक्सेस का मतलब क्या होता है हैवी टैक्सेस लगा देना इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देना और कोटाज का मतलब क्वांटिटी सीलिंग्स लगा देना तो ये सब इंडस्ट्री के फीचर्स थे मेनली पब्लिक एंटरप्राइजेस का मेजर रोल इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन सेल्फ रिलायंस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना थ्रू टैक्सेस एंड कोटास ठीक है जी नेक्स्ट क्या आता है सर नेक्स्ट आता है बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुए क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हुए ये जो हमने चीजें करी इससे क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए ये जो तुम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया इससे क्या हुआ तो फायदा क्या हुआ सबसे पहला इकोनॉमी ग्रोथ गॉट अ बिग पुश इसका मतलब हमारी इकोनॉमी को एक पुश मिला क्योंकि इंडस्ट्रीज पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी ब्रिटिशर्स ने बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करी थी तो अब जब पब्लिक सेक्टर ने रोल निभाना शुरू करा तो थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ काफी बढ़ी आगे क्या लिखा हुआ है देर वॉज अबाउट अ सिक्स परसेंट एनुअल इंक्रीज इन द आउटपुट छह परसेंट के रेट से एनुअल इंक्रीज हो रहा था आउटपुट में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी काफी ग्रोथ देखने को मिली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ध्यान रखना बच्चों हमारे देश में एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है हमारे देश में बहुत ज्यादा हमारे देश में इंडिया में मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स आए नेगेटिव इंपैक्ट बच्चों वही है देखो पब्लिक सेक्टर जब मेजर रोल निभा रहा है तो इन एफिशेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है है ना यूजुअली एक डेड सोशल वेट बन गया हमारे लिए हमारे लिए एक ऐसा भार बन गया कि ना तो ग्रो कर रहे ना आगे बढ़ने दे रहे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ठीक है इन थी काफी ज्यादा करप्शन होता है लीकेज होता है तो ये मेजर प्रॉब्लम्स रही पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की या एंटरप्राइजेस की कंपटीशन हमें कम देखने को मिला काफ़ी ज्यादा कंपटीशन नहीं था तो डोमेस्टिक ऑन्टरप्रनोर्स अपनी मोनोपोली बनाने लगते थे अब आप बहुत सारी देख लो उस टाइम पे आप कार्स देख लो भाई फोर्ड हो जाती थी एम्बेसडर्स हो जाती थी कोई डेवलपमेंट नहीं थी कोई फीचर्स नहीं थे कुछ नहीं थे कम्युनिकेशन सेक्टर देख लो बी वैसे का वैसा कई साल तक चलता रहा लोगों को इनकमिंग तक के पैसे देने पड़ते थे फोन उठाना है तब भी पैसे देने हैं कोई डेवलपमेंट नहीं कुछ नहीं तो देखो जब सिर्फ पब्लिक सेक्टर होगा ना तो यही चीजें चलती रहेंगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देख लो काम ही नहीं होता था बहुत स्लो चलते थे तो ये सारी चीजें पब्लिक सेक्टर में होती हैं और इंडस्ट्रीज में भी हमें यह देखने को मिली, ठीक है है? जी? Next, क्या सर तब भी क्यों ज़रूरत थी कि सरकार मेजर रोल निभाए अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो प्राइवेट सेक्टर रोल निभा लेता तो क्यों जरूरत थी गवर्नमेंट के रोल की तो देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कैपिटल ही नहीं था शॉर्टेज ऑफ कैपिटल जितने भी प्राइवेट ऑंटरप्रेनोर्स थे काफी लिमिटेड कैपिटल के साथ काम कर रहे थे नया नया देश आजाद हुआ था इतना पैसा कहाँ से आएगा तो प्राइवेट ऑनटरप्रिनट है कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट में चाहिए होता था और इतना पैसा होता नहीं था उसके बाद लैक ऑफ इंसेंटिव लैक ऑफ इंसेंटिव क्या मतलब है सर लैक ऑफ इंसेंटिव का मतलब है कि कुछ बेनिफिट्स नहीं दिखते थे प्राइवेट सेक्टर को सर बेनिफिट्स का मतलब क्या है बेनिफिट का मतलब बच्चों प्रॉफिट तो जो हमारी इंडियन मार्केट थी वो इतनी बड़ी नहीं थी इट वॉज नॉट बिग इनफ टू एनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स इतनी बड़ी नहीं थी कि भैया बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा दिए जाए और दूसरी बात अगर वो करना भी चाहते थे तब भी सरकार ये नहीं चाहती थी कि कुछ भी चार्ज किया जाए सरकार चाहती थी थोड़ा अभी ग्रो हो जाए उसके बाद फिर जो करना है कर लेना तो प्राइवेट सेक्टर में तो पैसा नहीं था अगर था भी तो उनको बेनिफिट नहीं दिख रहे थे तीसरा सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव था हमारा जो पर्पज़ था वो था सोशल वेलफेयर कि हम ग्रो कर पाए सोसाइटी की हेल्प कर पाए आगे बढ़ने में तो इस वजह से सोशल वेलफेयर करना है ग्रोथ को देखना है सोशल जस्टिस को देखना है इक्वालिटी को देखना है इतने सारे फैक्टर्स की वजह से हमें रियलाइज़ हुआ कि भैया प्राइवेट सेक्टर तो ये नहीं कर पाएगा पब्लिक सेक्टर को ही रोल निभाना पड़ेगा तो ऐसा करने के लिए सरकार ने क्या लॉन्च करा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या है ये एक रेजोल्यूशन है जो इंडियन पार्लियामेंट में आया 1956 में इंडस्ट्रीज में एक पहले रेजोल्यूशन 48 में भी आया था 1948 लेकिन उसमें कुछ कमियां थी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे जिस वजह से एक फ्रेश फिफ्टी 1956 में आया इसको बोला जाता है आई 1956 तो सर 1956 में सरकार ने क्या बोला सरकार ने बोला बच्चों 1956 में कि हम यानी कि गवर्नमेंट मेजर रोल निभाएगी इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में मेजर रोल विल बी प्लेड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कैसे निभाएगी ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट ने बच्चों इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सर कौन कौन से तीन पार्ट्स शेड्यूल ए शेड्यूल बी शेड्यूल सी शेड्यूल ए में सरकार ने रखी बच्चों वो इंडस्ट्रीज जो कि एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ओन्ड होगी सरकार ही उसको मैनेज करेगी सर इसके अंदर क्या क्या आया था इसके अंदर बच्चों मान लो पेट्रोलियम था उस टाइम पे कम्युनिकेशन था है ना और आर्म्स था उसके साथ साथ टोबैको था उसके साथ साथ डेंजरस केमिकल्स थे फार्मास्यूटिकल्स था रेलवेज था तो वो सारी इंडस्ट्रीज जो कि प्रॉपरली जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का रोल होगा प्राइवेट सेक्टर होगा ही नहीं कितनी इंडस्ट्रीज थी इसके अंदर, इसके अंदर अंदर थी बच्चों सेवनटीन इंडस्ट्रीज तो शेड्यूल ए में याद रखना कितनी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज थी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट शेड्यूल बी में थी बारह इंडस्ट्रीज इसमें थी बारह इंडस्ट्रीज जिसमें यह बोला गया कि भैया दोनों मिलकर रोल निभाएंगे लेकिन मेजर रोल इसमें भी गवर्नमेंट का होगा मेजर रोल इसमें भी गवर्नमेंट का होगा मिलजुल के करेंगे लेकिन लीडर कौन होगा गवर्नमेंट ही होगी जो बच गई बाकी बची कुछ नहीं थी छोटी मोटी इंडस्ट्री बची थी वो सारी शेड्यूल सी में डाल दी इसमें बोल दिया कि चलो प्राइवेट सेक्टर काम कर लेगा ये सब प्राइवेट सेक्टर मैनेज करे तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको टोटल तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया शेड्यूल ए शेड्यूल बी शेड्यूल सी शेड्यूल ए जो कि एक्सक्लूसिवली गवर्न बाय गवर्नमेंट होगा या ओन्ड बाय गवर्नमेंट होगा सब कुछ सब सरकार का होगा सत्रह इंडस्ट्रीज शेड्यूल बी जिसके अंदर दोनों मिलजुल के काम करेंगे बारह इंडस्ट्रीज लेकिन लीडिंग रोल गवर्नमेंट निभाएगा शेड्यूल सी जो भी इंडस्ट्रीज बची वो सारी की सारी किस में जाएंगी प्राइवेट सेक्टर के लिए जाएंगी तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने अपना रोल पक्का किया तय किया इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर किस नाम से आईपीआर 1956 ठीक है अब सर ऐसे कैसे कर लेती थी गवर्नमेंट की भैया और कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता ये करती थी बच्चों लाइसेंस की मदद से सरकार ने लाइसेंसेस निकाले एक रिटर्न परमिशन अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो रिटर्न परमिशन चाहिए होगी सरकार से सर लाइसेंस किस किस चीज के चाहिए होते थे तीन चीजों के लिए अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो भी कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का एक्सपेंशन करना है तो भी डाइवर्सिफिकेशन करना है तो भी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है ज्यादा प्रोडक्ट्स जोड़ना वो करना है तो भी लाइसेंस चाहिए एक्सपेंशन करना है तो भी चाहिए और नई इंडस्ट्री लगानी है तो भी चाहिए तो सरकार जो अपना कंट्रोल बना रही थी इंडस्ट्री पे वो लाइसेंसेस की मदद से बना रही थी इसके बाद आता है बच्चों लाइसेंसिंग में क्या था नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑप्टेन्ड आप तब तक इंडस्ट्री नहीं लगा सकते जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो दूसरा अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाते हो तो वहां पे लाइसेंस लेना आसान है क्योंकि गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज को प्रमोट करना चाहती थी आगे लेके जाना चाहती थी तो वहां पे लाइसेंस आसानी से दे रही थी आगे लिखा हुआ है द दर्पज वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी जो रीजन कमजोर थे उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था लाइसेंसेस तब भी चाहिए थे अगर आपको एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है या डाइवर्सिफाई करना है ठीक है जी उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बच्चों एक वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर जो डेफिनेशन है वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट के हिसाब से बताई गई है तो इन्वेस्टमेंट लिमिट में ये बोला गया है पहले चलती थी पांच लाख रुपए में थी ये पांच लाख रुपए की कि अगर किसी इंडस्ट्री में पैसा पांच लाख रुपए तक लगा है उसके एसेट्स में तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है आज ये पैसा बढ़ा के एक करोड़ कर दिया गया है आज तो बहुत फर्क आ गया यार है ना तो अगर आज कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसने अपनी इंडस्ट्री में एक करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो एक करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट वाली सारी इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है पहले ये पांच लाख रुपए हुआ करता था ठीक है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ गई जी उसके बाद बच्चों आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती हैं ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव होती हैं तो आराम से आपके जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे लोग काम कर सकते हैं आपको काफ़ी अच्छा पैसा कमाने को मिल जाएगा ठीक है अब इन्हें किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया बिग फर्म से जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनसे इनको प्रोटेक्शन दी गई सर प्रोटेक्शन कैसे दी गई सबसे पहले इनके कुछ प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दिए गए रिजर्वेशन दे दिया गया गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ठीक है द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ यूनिट्स क्राइटेरिया किसके ऊपर था कि कितना प्रोडक्शन कर पाओगे तो इसका मतलब यह है कि कुछ प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिए गए थे कि भैया यही बनाएंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इनको नहीं बनाएंगी उसके बाद काफ़ी कंसेशंस दिए जाते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जैसे कम टैक्सेस ईजी बैंक लोन्स ट्रांसपोर्टेशन में फायदा इलेक्ट्रिसिटी में फ़ायदा तो इस तरीके के छोटे छोटे बेनिफिट्स भी सरकार देती थी टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखो यार हर आदमी तो बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता ना तो हम कैसे छोटे बिजनेस को प्रमोट करें यही सब चीज़ों से ओके इसके बाद क्या आता है बच्चों हमारे पास और हमने क्या पढ़ा था इसमें लास्ट आता है हमारे पास फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रेड का हमारा क्या हाल था फॉरेन ट्रेड का हमारा हाल था कि हम एक्सपोर्टर थे किस चीज़ के जल्दी से बोलो प्राइमरी प्रोडक्ट्स के और हम इंपोर्टर थे किस चीज़ के फिनिश गुड्स के मशीन मेड गुड्स के तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा गवर्नमेंट ने इसके अंदर क्या बदलाव किया तो देखो क्या आ रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी चेंज आया हमारे इंडियन फॉरन ट्रेड में क्या क्या चेंज आया नंबर वन हमारा थोड़ा सा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कम हुआ सर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कम क्यों हुआ क्योंकि बच्चों हमारे देश में ही डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही थी भाई जनसंख्या बढ़ रही थी देश बड़ा हो रहा था तो लिखा हुआ है देखो इंडिया स्टार्टेड यूजिंग इट्स फार्म प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमने अपनी इंडस्ट्रीज में उसको यूज करना चालू करा उसके साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो कंजम्पशन के लिए डिमांड भी काफ़ी हो रही थी दूसरा जितनी भी कन्वेंशनल आइटम्स हैं कन्वेंशनल आइटम्स जैसे कि जूट हम एक्सपोर्ट करते थे टी फूड ग्रेन्स मिनरल्स इन आइटम्स ये हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट का मेजर पार्ट होते थे लेकिन धीरे धीरे प्लान प्रोग्राम्स के साथ इनकी भी डोमेस्टिक डिमांड काफी बढ़ने लगी तो एक्सपोर्ट्स में ये थोड़े से कम हो गए उसके बाद क्या है द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या होता है जो हम गुड्स बना रहे हैं जिनका प्रोडक्शन कर रहे हैं जैसे हम वुडन का सामान बोल देते हैं या कपड़े का सामान बोल देते हैं इस तरीके की चीजें इनका इंक्रीज हुआ था एक्सपोर्ट्स में तो ध्यान रखना हमारा बेसिक जो हम रॉ uh, मटेरियल के तौर पे फूड ग्रेन्स वगैरह एक्सपोर्ट करते थे वो थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि इंडियन डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई दूसरा जो हमारा आप बोल लो कि कन्वेंशनल आइटम्स थी उनका भी एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हुआ लेकिन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हम बना रहे थे उनका जो है डिमांड बढ़ा बाहर बढ़ा तो एक्सपोर्ट बढ़ने लगा ठीक है नेक्स्ट क्या आ रहा है बच्चों क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्रिटिकल अप्रेजल में हम लोग क्या बोल देते हैं अच्छा हमारे इसके अंदर बिफोर अप्रेजल मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताऊं इसके अंदर फॉरेन ट्रेड में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी सर ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या है तो बच्चों फॉरेन ट्रेड में याद रखना हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी थी जिसको हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी बोलते थे ये आप पीछे पढ़ के आए हो तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में जो मेजर फोकस था वो हमारा इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे था हमारा प्रयास ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करें किस चीज़ से डोमेस्टिक प्रोडक्शन से हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे हम चाहते थे कि हमारा बस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाए किसी तरीके से हम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट ना करें इससे क्या होगा एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज सेव होगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा है ना सेविंग होगी फॉरेन एक्सचेंज की दूसरा हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे राइट तीसरा बेनिफिट क्या होगा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिलेगी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए बेटर है तो इस तरीके के कुछ बेनिफिट्स थे तो मेनली फॉरेन ट्रेड में आपको याद रखना है कि फॉरेन ट्रेड में हमने अपनाई इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी जिसमें यह बोला गया कि हम बस अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे इनवर्ड लुकिंग का मतलब है अपने पे फोकस करना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे इंपोर्ट नहीं करेंगे इसको बंद करना है कैसे भी करके ठीक हो गया ये हमारे पास मेनली फॉरन सेक्टर में आ जाता है और एक ओवरऑल चैप्टर का अगर हम क्रक्स देखें तो वो ये आ जाता है देखो जीडीपी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो काफ़ी डेवलप हुआ 1950 से 1990 के बीच में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे काफ़ी फोकस किया गया इंडियन इंडस्ट्री अब सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल और जूट पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं थी काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी डाइवर्सिफाई हो चुकी थी और फॉरन कॉम्पिटिशन से हमें यह बेनिफिट हुआ कि हम काफ़ी ज़्यादा एरियाज में डेवलप हो पाए जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल्स इनमें हम काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गए जो कि नॉर्मली हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था तो ये था बेटा जी हमारा चैप्टर नंबर टू आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर टू अच्छे से रिवाइज हो गया होगा मैंने अभी डिटेल में भी ये पूरा चैप्टर पढ़ाया था तब भी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था अब भैया तुम्हें मिल गए थे दूसरा मौका था ये करने का अभी अपनी जो भी किताब है वो उठा लो या एनसीईआरटी उठा लो एक रीडिंग लगा लो और लर्न कर लो साथ साथ और फिर चैप्टर थ्री करेंगे यूनिट समाप्त हो जाएगा समझे ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है एग्रीकल्चर में ध्यान रखो मेनली क्या हुआ था एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इंडस्ट्री में आईपीआर 1956 और फॉरेन ट्रेड के अंदर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी बस इस चीज का ध्यान रखना दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर यही है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है बाकी सारी चीजें हम लोग करेंगे डे बारह पे और सीरीज अब जारी है एंडिंग की तरफ है ना तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो मस्त रहो व्यस्त रहो खुश रहो थैंक यू सो मच एवरीवान